गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीए जो हब ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 12th, सब्जेक्ट जूलॉजी, चैप्टर 24, टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का परिसंचरण तंत्र। इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये टॉपिक चल रहा है, रुधिर का संगठन। रुधिर के संगठन के अंदर लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था, दो पार्ट है इसके, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स पढ़ा। प्लाज्मा उस वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिए थे, अब ब्लड कॉर्पसेल्स, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं जो है तीन प्रकार की है, जिनके बारे में हमने पहले फ्लोचार्ट के माध्यम से समझ किया था। अब इसमें फर्स्ट है आरबीसी, रक्त कणिका। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। कुल रक्त कणिकाएं जो है, कुल रक्त कणिकाओं का 99% आरबीसी होती है। मानव रुधिर के अंदर जितने भी रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, उनका 99% आरबीसी होती है। इसका व्यास, आरबीसी जो है इसका जो व्यास होता है वो 7 से 8 μm होता है, 7 से 8 μm होता है। इसकी मोटाई जो है, इसकी मोटाई 2 μm। इसका आकार जो होता है वो वृत्ताकार, डिस्क्रोपी, अभ्योतल, ऐसा इसका आकार होता है। आरबीसी में इसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरद्रवी जालिका और गोल्गी बॉडी, गोल्जी कार्ड, ये एब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसका अपवाद है, यानी कि अधिकांश जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसका भी अपवाद है ऊंट व लामा। इनकी जो आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर केंद्रक वो पाया जाता है। पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन कि ऐसे जीव का नाम बताओ जिसके आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, उसमें आ जाएगा ऊंट व लामा। वयस्क पुरुष जो होता है, संख्या की यदि बात करें इसमें, संख्या वयस्क पुरुष, वयस्क पुरुष और वयस्क महिला, इन दोनों के अंदर इसकी संख्या जो है वो डिफरेंट होती है। पुरुष के अंदर 52 लाख घन प्रति घन mm इनकी संख्या होती है, महिला के अंदर ये 48 हो जाती है, लाख प्रति घन mm। वयस्क में ज्यादा होती है और महिला में कम होती है। सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो संग कोर्डेटा व एम्फीबिया में होती है। सबसे छोटी आरबीसी स्तनधारियों में पाई जाती है, सबसे छोटी आरबीसी स्तनधारियों में पाई जाती है।
स्तनधारियों में भी सबसे बड़ी किस्में से छोटी किस्में पाई जाती है। तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी जो होती है वो हाथी में होती है, हाथी। इसके अंदर वो छोटी जो है वो कस्तूरी मृग पाई जाती है। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो भी वयस्क के अंदर अलग जगह पर, और जो भ्रूण अवस्था होती है उसमें अलग जगह पर होता है। वयस्क के अंदर आरबीसी का जो निर्माण होता है वयस्क में, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण में, भ्रूण जो अवस्था होती है उसमें आरबीसी का जो निर्माण होता है वो प्लीहा और यकृत में होता है। प्लीहा व यकृत में होता है। अलग अलग पूछा जा सकता है, व्यस्क में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहां होता है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है। जैसे ही आरबीसी कमजोर होती है या वृद्ध हो जाती है तो उसके बाद में आरबीसी को पहुंचाया जाता है प्लीहा में। अब भेजेंगे इसको प्लीहा व यकृत, मुख्य रूप से प्लीहा में। प्लीहा में इस आरबीसी का अपघटन किया जाता है। कह सकते हैं आरबीसी का गुच्छड़ खाना किसे कहते हैं, कहां पर इसको अपघटित किया जाता है, तोड़ा जाता है, नष्ट किया जाता है, कहां पर? प्लीहा में। प्लीहा को आरबीसी का गुच्छड़ खाना कहा जाता है। आरबीसी जो होती है इसका रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जो इसको लाल रंग प्रदान करता है, और वर्णक का जो नाम होता है वो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। तो इस प्रकार से रुधिर कणिकाओं में आरबीसी जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।